शुरू करते हाँ। गुरु अर्जन देव जी, पंजवें गुरु नानक, श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी दे पिता का नाम श्री गुरु रामदास जी, चौथे पातशाही, और पंजवें पातशाही ने ओ हन श्री गुरु अर्जन देव जी। और श्री गुरु रामदास जी दी जेड़े पत्नी सन ओ सन बीबी भानी, ओ इना दी माता जी सन। ते गुरु अर्जन देव जी दे पिता जी गुरु रामदास जी, माता बीबी भानी, ते पत्नी माता गंगा जी। इन्हों का एक पुत्र सीगा छेवीं पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब। ता इन्हों दे नाना जी तीजी पातशाह श्री गुरु अमरदास जी, इन्हां दे नाना जी सन। और इन्हां दे नाना जी ने तीजे पातशाह श्री गुरु अमरदास जी ने इन्हां नूं आशीर्वाद दिता सी, वरदान दिता सी कि दोहता बाणी का बोहता, क्योंकि इन्हां दा ये दोता सीगा। ते इन्हां दी प्रतिभा नूं देखते दे हुए और छोटी उम्र दे विच ही श्री गुरु अमरदास जी तीजे पातशाह ने इन्हों वरदान दिता, दोहिता बाणी का बोहिता, भाई जेड़ा है मेरा दोहिता है, ये आने वाले समय दे विच बाणी का बोहिता होगा। बोहिता माने जहाज, बहुत वड्डा जहाज। और उसे गुरु वाक नूं पूर्ण करते हुए श्री गुरु अर्जन देव जी ने बहुत ही वड्डे पद्धर ते बाणी रची, और लगभग अद्धा गुरु ग्रंथ साहिब है उस विच श्री गुरु अर्जन देव जी की बाणी दर्ज है। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आदि ग्रंथ का संपादन भी किया, कई नगर बसाए, कई थावां उसारियां। श्री गुरु अर्जन देव जी ने संतोखसर की उसारी कराई, जेड़ी कि अमृतसर के नजदीक है। संतोखसर अमृतसर के विच है भाई। और हरिमंदर साहब की नींह रखी, जोड़ा संतोखसर है वह भी, जोड़ा अमृतसर है उनके ही है बई। और अमृतसर साहब के विच हरिमंदर साहब गोल्डन टैंपल की नींह है जिहड़ी, वो श्री गुरु अर्जन देव जी ने साई मियाँ मीर तो रखवाई सी। साई मियाँ मीर उस समय के सर्व धर्म नाल संबंध रखते हुए पीर सीगे, उन्हां दी श्री गुरु अर्जन देव जी नाल चंगी बनती सीगी, चंगी विचार चर्चा उस परमात्मा दे बारे होंदी सीगी। और उस समय दे धर्म तो उपर उठ के सोचण वाले, सर्व धर्म बारे सोचण वाले फकीर साई मियां मीर जी सी, उन्हां तो अमृतसर साहब, हरिमंदर साहब, हरिमंदरसर साहब गोल्डन टैंपल दी नींह है जिहड़ी वो रखाई सीगी। संतोखसर की उसारी और हरिमंदरसर साहब की नींह है जी, हरिमंदर साहब की नींह वो माघी वाले दिन रखी सी और ये रखवाई सी साई मियां मीर तो। और उस तो बाद सखी सरवर के इलाके धर्म का प्रचार करने, क्योंकि सखी सरवर का इलाका सी वो प्रभावित सी सखी सरवर तो, और उत्थे गुरमत का प्रचार करने तरन तारण नगर बसाया, और उत्थे एक घोड़ियां की सेवा करने लिए घोड़ी घर भी है उत्थे स्थापित किया, ताकि घोड़ियां की सेवा की जा सके। और उस तो बाद जेड़े जलंधर का सूबेदार सीगा, जलंधर का सूबेदार अजीम खां, उसने बेनती की, उन्हां दी बेनती ते करतारपुर नगर बसाया उन्होंने। जेड़ा ये करतारपुर है ये श्री गुरु अर्जन देव जी ने बसाया है, और एक दूजा करतारपुर है जेड़ा वो श्री गुरु नानक देव जी नाल संबंधित है। ये करतारपुर साहब जलंधर के सूबेदार अजीम खान की बेनती के उत्ते करतारपुर नगर वसाया, ते उत्थे ही सीस महल बनवाया, ते नान दी नान माता गंगा का खूह है जेड़ा उसकी उसारी उत्थे करवाई, ताकि पानी की किसी प्रकार की तोट ना रवे। फिर अगे गुरु की वडाली अमृतसर के नजदीक ही है बई,
गुरु की बटाली अमृतसर से नजदीक ही है, उत्थे छे हल्टा खूह खदवाया, छे हल्टा वाला खूह खदवाया क्योंकि उत्थे पानी की समस्या सी, ते लोकां नू पानी की सख्त लोड़ सी, उसनू देखते हुए वड्डा खूह है जेड़ा वो खुदवाया गया छे हल्टा वाला, और पानी की जिहड़ी किल्लत है उनकी समस्या का समाधान किया गया। चूना मंडी लाहौर दे विच, चूना मंडी लाहौर दे विच डब्बी बाजार ते बौली साहब की उसारी की। बौली साहब बारे मैं तुहानू पहला भी दस्या सी कि एक खूह बनया हुंदा है, उसते उतरन लई पेड़ियां बनिया हुंदियां, और अखीर दे विच जाके जिहड़ी की है कि मिठा पानी है उत्थों मिलदा है। लोग पेड़ियां तो उतर के जाते हैं और वापस मिठा पानी लैके वापस बाहर की तरफ आते हैं। तो आ की है चूना मंडी लाहौर के डब्बी बाजार, होर नान दे नान डब्बी बाजार की भी रौनक लाइया, डब्बी बाजार बनाया, उत्थे बौली साहब की उसारी कराई। और इत्थे ही जड़ी नामवर शख्सियतां सी, कई भगत जन सन, वह श्री गुरु अर्जन देव जी नू मिले। उन्हां दे विचों काना, छज्जू, शाह हुसैन, शाह इनायत कादरी ते संभू नाथ, यह जेड़े उस समय दे चंगियां शख्सियतां सीगियां, और इन्हां दे ये अपने अपने जेड़े भगत जन सन, ये भगत जन जेड़े है श्री गुरु अर्जन देव जी नाल इन्हां ने विचार वटांदरा किया, और जेड़ी अपनी बाणी है उन्हां दी भी मनसा सी क्यों ना क्यों गुरु ग्रंथ साहब की रचना है श्री गुरु अर्जन देव जी कर रहे ने, क्यों ना इस विच जेड़ी आ साड़ी बाणी है वह भी शामिल की जाए। परंतु श्री गुरु अर्जन देव जी ने इस गल का खास ध्यान रखिया कि जेड़ी बाणी गुरु आसे दे अनुरूप है उसी नू ही गुरु ग्रंथ साहब दे विच शामिल किया है, और इन्हां दी सब दी बाणी है जो वह गुरमत विचारधारा गुरमुख आसे दे हिसाब दे नाल नहीं सी, इस कारण इन्हां दी बाणी नू गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज नहीं किया। इन्हां नाल चंगा विचार वटांदरा होया, विचारां कीतियां गईयां कि भगत जन जो आपस च मिलते हैगे है तो वह की है कि विचार करते हैं उस परमात्मा के बारे, धार्मिक जिहड़ा उन्हां दा मुद्दा है वह रहिंदा हैगा है, ते लाहा ही खटिया जाता है इस विचार वटांदरे के अंदर। तो यह लोग विचार कर आए, परंतु इन्हां दी जिहड़ी बाणी सीगी जिहड़ी इन्हां ने रचना की हुई सी उस दे विच इस्त्री निंदिया सी, कईयां दी बाणी दे विच मस्खरी सीगी, कईयां दे बाणी च नशे दे बारे सी वे पूरे नशे च हो के नाम जपिए, इस तरीके दियां कई जिहड़ियां गल्लां सन वह गुरमत आसे दे अनुरूप नहीं सन, जिस कारण श्री गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां दी बाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। चंगा विचार वटांदरा है इन्हां नाल होया है, क्योंकि जेडे लोग इस पद्धर ते पहुंच जाते हैं तो वह की करते हैं जदों भी मिलते हैं तो बड़ी ही जड़ी गोष्ठी होंगी है उच्च पाए की होंगी, इस विच किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं होया करती। तो अगे जड़ी रचनावां की गल करिए, लंबिया रचनावां च बारहवां माझ, बारहवां है माझ राग दे विच बावन अखरी सुखमनी साहब, यह गुरु साहब दियां लंबिया रचनावां ने, ते उस तो बाद छे वारां ने जिंदी आपां अगले अगे चर्चा करांगे। ते फुटकल रचनावां दे अंदर संस्कृति, गाथा, फुनहे, चाउ बोले, सवैये, वारा तो वधीक, अंजुलियां, दिन रैण, बिरहड़े, थिथी, रुत्ती, पहरे, मारू डखणे, ये बाणियां ने। और एक एक बाणी दे उत्ते आपां विस्थार नाल चर्चा करांगे, हर एक जिहड़ा बाणी दा सरलेख है उस नूं समझांगे। तो आप हुण अगे चलते हाँ, तो इस तो अगे आदि ग्रंथ जिहड़े संपादन का काम गुरु साहब ने किया और जिहड़ियां रचनावां कीतियां उस बारे चर्चा करांगे। जे इत्थे तक अगर तुसी कुछ भी समझना है तो चैट बॉक्स के अंदर तुसी लिख सकते हो। यह जिहड़ा दिता गया है ये गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी का परिवारक पिछोकड़ सी, भाई उन्हां दा जन्म है गोइंदवाल साहब दे विच होया, उन्होंने आदि ग्रंथ का संपादन किया 1601 तो लैके 1604 तक, 1 सितंबर 1604 दे विच आदि ग्रंथ है जिहड़ा वो पूर्ण होया, ते उन्दे ग्रंथ ही थापे गए। इस बारे सारी चर्चा है जो अपनी वो इसी दौरान अगले पड़ाव ते होवेगी। इस हुण आपां गल करांगे आदि ग्रंथ दे संपादन की। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 1601 तो लैके 1604 दे दरमियान आदि ग्रंथ का संपादन किया। इस ग्रंथ के अंदर
पांच गुरु, पंद्रह भगत, ग्यारह पट, चार गुरसिख, कुल 35 बाणीकार ने। 35 बाणीकारां दी बाणी है जो इस विच शामिल है। और गुरु साहब ने राग दी राग ते तरतीब दर्ज है। राग ते तरतीब ते आधारित है। इसनू तरतीब वार की कहते हैं कि रखिया गया है। जिवें पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की बाणी, फिर दूजे गुरु की, फिर तीजे गुरु की, फिर चौथे गुरु की, फिर पंजवें गुरु की बाणी इस प्रकार रखिया गया है। और इस जी तरतीब है जी शब्दों की अष्टपदियों की, वह तरतीब इस प्रकार है। सब तो पहला शब्द दर्ज ने, फिर अष्टपदियां, फिर छंत, फिर वार, ते उस तो बाद जिहड़े भगतां दे शब्द ने ओह दर्ज ने। इस तरतीब नूं जो फॉलो है वह श्री गुरु साहब ने किया है। और इस दी जिहड़ी संपादना है वह गुरु रामसर थां कीती गई है। रामसर साहिब ये अमृतसर दे विच है बई। अमृतसर साहब दे विच ही है। रामसर सरोवर दे कंडे ते बह के आदि ग्रंथ की स्थापना की गई 1601 तो लैके 1604 दे विच। और 1 सितंबर 1604 दे विच इंदा है जो 1 सितंबर 1604 नूं सितंबर 1 सितंबर 1604 नूं संपादन कार्ज पूर्ण होया। और इंदा जो पहला प्रकाश है जो वो 1 सितंबर 1604 नूं कीता। और इंदे जिहड़े पहले ग्रंथी सी ओह सी बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी ओह सी जिहड़े इन्हां दे ग्रंथी सी। और इस बीड़ दे लिखा जिहड़ी बीड़ है वह लिखी सी भाई गुरदास जी ने। इस दे लिखारी सी भाई गुरदास जी। भाई गुरदास जी ते जिहड़ी आ बीड़ सी आदि ग्रंथ इंदा संपादन है वह श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया सी। और संपादन के समय जिहड़ी शुरुआत सी आदि ग्रंथ की बीड़ की उंदा मूल मंत्र सी श्री गुरु अर्जन देव जी ने खुद अपने हत्थां नाल लिखिया सी मूल मंत्र। और इंदे 571 नंबर पेज के उत्ते 571 नंबर पेज से श्री गुरु हरगोबिंद साहब के हस्ताक्षर भी ने। हरगोबिंद साहब के हस्ताक्षर भी हैगे ने। ते इसका संपादन कार्य है 1 सितंबर 1604 नूं पूर्ण होया। लिखारी सीगे श्री भाई गुरदास जी है जिहड़ी उन्हां तों यह जिहड़ी बीड़ है वह लिखवाई सी। ते पहले ग्रंथी बाबा बुढ़ा जी सन। इन्दे विच 35 बाणीकारां दी बाणी शामिल की गई है। और अगर कुल देखा जाए तो इस दे अंदर 1428 पेज टोटल अंग ने, वह हैं 1428 अंग ने। और 5751 है जिहड़े वह शब्द सलोक पौड़ियाँ उन्हां दी गिणती 5751 बनती है। और इसनों आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ते करतारपुर वाली बीड़ भी आखिया जाता है इसनों। और ये जिहड़ी आपां गल कीती सी आदि ग्रंथ के बारे जिंदा संपादन है श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया सीगा। ते भाई गुरदास जी नूं बुलाया और रामसर सरोवर है उसके कंडे दे कंडे ते बह के इसका संपादन किया। 1601 तो शुरू करके 1604 तक 1 सितंबर 1604 नूं जिहड़ा है इंदा पहला प्रकाश किया। और ग्रंथी है जिहड़े वह बाबा बुढ़ा जी नूं थापिया गया। 1428 इंदे अंग ने और 5751 सलोक पौड़ी शब्द पदां दी इंदी गिणती है वह बनती है। आ बीड़ दे के श्री गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़े मांगट निवासी सी भाई बन्नो जी उन्हां नूं बुलाया।
होर कहा कि आदि ग्रंथ की जिल्द साजी करनी है, इस दी बाइंडिंग करनी है। तो उस भाई बन्नो जी नूं सद्या गया। भाई बन्नो जी है जिहड़े ओह उहदी जिल्द साजी करन लई लै गए, परंतु रास्ते च उन्होंने की किया, भाई बन्नो जी ने उस भीड़ दे विच कुछ सलोक है जिहड़े कुछ शब्द ने कुछ तुक्कां अपनियां उन्हां विच उन्होंने भरतियां, कुछ तुक्कां दे विच बदलाव किया, जिस दे कारण जिहड़ी भीड़ है वह खंडित हो गई। इस कारण भाई बन्नो जी वाली जिहड़ी भीड़ है उहनूं खारी भीड़ भी कहिंदे है। जदों श्री गुरु अर्जन देव जी नूं इस गल दा पता लग्गिया कि भाई बन्नो जी ने रास्ते विच जिहड़ी आदि ग्रंथ है उहदे विच कई तुक्कां नूं शामिल किया है, तो उन्होंने बड़ी ही नाराजगी जाहिर की तो यह जिहड़ी आ भीड़ सी उहनूं खारी भीड़ का दर्जा किया दिता, आ मनिया कि आ गुरमत मर्यादा के अनुसार नहीं है, इहनूं खारिज कर दिता। तो जिहड़ी दूजी भीड़ है वह हैगी है भाई बन्नो वाली भीड़। भाई बन्नो वाली भीड़ जिन्हों की खारी भीड़ भी आखते ने, इस दे विच ती रागां ने, कुछ शब्द जो है भाई बन्नो जी ने रास्ते च उतारा किया, तो कुछ तिक्कां है जिहड़ियां वह उन्दे च पा दित्तियां फिट कर दित्तियां। इस कारण जिहड़ी आ संख्या है 5751 तो वज के वध के 5757 हो गई। तो आप गल कर रहे सी दूजी भीड़ जिहड़ी भाई बन्नो जी वाली भीड़ के नाम तो जानी जाती है, जिन्हों खारी भीड़ भी कहते हैं। रास्ते विच उन्होंने उतारा किया भाई बन्नो जी ने, कुछ तुक्कां उन्दे विच फिट करतियां, जिन्दे कारण की संख्या वध के 5751 हो गई, और श्री गुरु अर्जन देव जी ने नाराजगी जाहिर की और इहनू खारिज कर दिता। उस तो बाद जे अगर आप गल करिए जिहड़ी तीजी भीड़ जो कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तैयार करवाई, गुरु गोबिंद सिंह जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की है तैयार करवाई। श्री गुरु गोबिंद साहब जी ने जब दमदमा साहब की धरती पर पहुंचे तो जंगा युद्धा दे विच बहुत ज़्यादा जिहड़ा साहित सी वो बर्बाद हो गया, तो इस कारण गुरु साहब ने सोचा क्यों ना आदि ग्रंथ है जिहड़ा उनका दोबारा तो उसनू उसका पूर्ण किया जाए उन्हों, और उनके विच जिहड़ी है गुरु तेग बहादुर जी की बाणी है वह शामिल की जाए। इस तरीके का विचार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के मन में सीगा। तो उन्होंने की किया कि उस गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी भीड़ है वह दोबारा लिखवाई भाई मनी सिंह जी तो, भाई मनी सिंह जी तो दोबारा भीड़ लिखवाई, और उस भीड़ दे विच अपने पिता नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी है जिहड़ी वह दर्ज कर दिती। तो इस विच जिहड़ियां 30 रागां सीगियां जिहड़ी आदि ग्रंथ सीगा जिहदी रचना श्री गुरु अर्जन देव जी ने की, उन्दे विच 30 रागां सी, परंतु जिहड़ी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की किया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी उन्दे विच शामिल की, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जैजावंती राग दे विच भी बाणी लिखी हुई सी, जिहड़ी कि पहला राग है जिहड़ी 30 रागां दे विचों शामिल नहीं है। जिहड़ियां होर रागां सन गुरु तेग बहादुर जी दियां वह तो उही रागां सन, पर एक राग जैजावंती है जिहड़ी वह राग पहला नहीं सी, इस कारण हुण रागां दी संख्या है वह वध के 31 राग हो गए भी 31 राग हो गए, 30+1 और जिहड़ी आ राग है वह है जैजावंती राग। जैजावंती राग के अंदर सिर्फ सिर्फ श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ही बाणी रची है, होर गुरु साहब ने नहीं रची, तो बाकी जिहड़ियां रागां सी वह गुरु तेग बहादुर जी ने उही रखियां जिहड़ियां कि होर इन्हां 30 रागां दे विच शामिल है। तो उस तो बाद की होया कि जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस बाणी की गुरु तेग बहादुर जी की बाणी नूं शामिल किया, तो उनके विच जिहड़ी अंगा की संख्या है वह वध के 1428 की जगह हुण 1430 हो गई। इस समय जिहड़े आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करते हाँ उनके विच जिहड़ी अंगा की संख्या है वह 1428 है, जदों कि पहले गुरु अर्जन देव जी के समय सलोक पौड़ी पदों की जिहड़ी संख्या सी 5751 सी, उनके विच हुण अगर आपां
श्री गुरु तेग बहादुर जी के शब्द से सलोक आप जोड़ दिए तो संख्या है वह बढ़ जाएगी। गुरु तेग बहादुर जी ने 57 से सलोक लिखे सन, 57 सलोक लिखे से और 59 है जेड़े वह पद लिखे से, 59 शब्द लिखे से बई, शब्द 59 लिखे ने, शब्द कह लो भावे पद कह लो, शब्द है जेड़े 59 है, सलोक है जेड़े 57 है। हुण 5751 दे विच 57 प्लस 59 अगर आप करते हाँ तो संख्या बनती है 5867, 5867। हुण जेड़े है सलोक शब्द पौड़ियां की जी संख्या है वह वध के 5867 होगी और इहदे जेड़े लिखारी सन वह सी भाई मनी सिंह जी, मनी सिंह जी, और जेड़ी थां सी वह सी दमदमा साहिब, दमदमा साहिब उस थां दे उत्ते की कहिंदे है कीती ते जेड़े आ गुरु ग्रंथ साहिब दा जेड़ा है उसी नूं की कहिंदे है कि गुरता गद्दी है जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरता गद्दी भी सौंपी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने नारियल और मत्था टेकिया और सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ, उस तो बाद जी गुरता गद्दी है वह श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं देती। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब की जी रचना हैगी है जे उनका कह लिए दोबारा जी लख लिखवाई कराई वह कराई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की। तो इतने जोड़ा नाम से पहला वो सगा आदि ग्रंथ जिन्हों की करतारपुर वाली बीड़ भी आख्या जाता है। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जोड़ा नाम है वह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता और गुरता गद्दी है जी सौंपी। उस तो बाद अज भी आप गुरु रूप के नमस्कार कर रहे हैं। इन जी संख्या है 1428 अंग सन, परंतु इस है गुरु तेग बहादुर जी ने बाणी में शामिल किया गया इस कारण अंगा की संख्या बद के 1430 होगी। इनके 30 राग से और 30 रागों के कुछ राग बाणी श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लिखी सी, परंतु एक राग जिहड़ा कि उन्होंने वखरा यूज इस्तेमाल किया उस जाजाबंती। इस प्रकार रागों की जी संख्या है वह बद के 31 हो गई। तो इसी तरीके 5751 जे सलोक पौड़ी पद से वह हुण बद के जेडे 57 सलोक 59 शब्द जो शामिल करते हैं तो वध के होंगे 5867। तो इन लिखारी से आदि ग्रंथ के लिखारी जिनका संपादन श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया वह सीगे भाई गुरदास जी और इन लिखारी सिंह भाई मनी सिंह जी। तो इन जी थां हैगी है यह जी थां है रामसर सरोवर के कंडे बह के अमृतसर साहब के और यह है दमदमा साहब के अंदर, दमदमा साहब है जी उ इनकी रचना है जी की गई दोबारा लिखाया है जोड़ा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मनी सिंह जी तो। यह जी आप गल कर रहे थे वो गुरु ग्रंथ साहब के बारे कर रहे थे। हुण आप अगला टॉपिक है उन्होंने छोड़ते हाँ, इस तो बाद आप गल करांगे सुखमनी साहिब जी सुखमनी साहिब सुखमनी साहिब दे विच की है कि सुखमनी गाउड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक शुरू होंदा है फिर आदि गुरे नमै जुगात गुरे नमै सत गुरे नमै श्री गुरु देव उस तो बाद फिर अष्टपदियां चालू हो जांदियां ने पहली अष्टपदी और पहली अष्टपदी तो बाद रहाओ दी तुक है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। उस तो बाद फिर सलोक फिर अष्टपदी फिर सलोक फिर अष्टपदी इस तरीके 24 सलोक 24 ही अष्टपदियां दर्ज ने। जड़ी पहली अष्टपदी है उस विच एक रहाओ की तुक शामिल है वो है सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। जड़ी हर अष्टपदी है उनके की कहते हैं कि 10-10 तुकों वाले 8 काव्यबंध हैं। तो इस तरीके देखा जाए पहला सलोक फिर अष्टपदी फिर सलोक फिर अष्टपदी इस तरीके की कहते हैं कि 24 सलोक है और 24 ही अष्टपदियां ने
और एक यह प्रबंध काव्य का नमूना है। प्रबंध काव्य का नमूना, प्रबंध काव्य के विच आपां जदों गुरु नानक जी दी जपजी साहिब है जिहड़ा वह प्रबंध काव्य का नमूना है और आनंद साहब है जिहड़ा वह भी प्रबंध काव्य का नमूना है। दोनों के विच आपां दस्सिया है कि प्रबंध काव्य की होंदा है और मुक्तक काव्य की होंदा है। जे तुसीं तुहानूं नहीं पता कि प्रबंध काव्य की होंदा है तां तुसीं वेख सकदे हो अपने गुरु नानक देव जी वाली वीडियो और आनंद साहब जी वाली वीडियो, उस दे विच प्रबंध काव्य मुक्तक काव्य दे विच विस्तार नाल चर्चा की गई है। तो इनकी जिहड़ी रचना है वह हुई है रामसर दे थां ते, रामसर दे कंढे ते बह के, रामसर साहिब दे कंढे ते बह के श्री गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ी आ बाणी है सुखमनी साहब उनकी रचना की। इहदा जिहड़ा विशा है वह है गुरमत जीवन जाच बारे बई, गुरमत जीवन जाच। तो गुरमत विचारधारा तो संबंधित है, गुरमत जीवन जाच तो संबंधित है और इहदे च ब्रह्म ज्ञानी बारे होर भी गुरसिखा बारे इस बारे दस्या गया किस प्रकार की जीवन जाच है जो आपां नूं अपनानी चाहीदी है। इस प्रकार की एक जीवन जाच आपां अपना के उस परमात्मा की प्राप्ति आपां कर सकते हाँ। यह जिहड़ा विषय है वह हैगा सुखमनी साहब का। सुखमनी साहब के अंदर 24 श्लोक 24 अष्टपदियां और इहदी जिहड़ी राग है राग गौड़ी सुखमनी महला पंजवा, आपां पढ़दे राग हैगी है गौड़ी है और पहली रहाउ तुक दे विच शामिल है। जिहड़ी पहली एक रहाउ तुक है जिहड़ी पहला श्लोक आंदा है, फिर अष्टपदी आती है, फिर रहाउ की तुक आती है। वह रहाउ की तुक है वह सिर्फ और सिर्फ की कहें कि पहली अष्टपदी तो बाद आती है, उस तो बाद की कहें है फिर श्लोक है, फिर अष्टपदियाँ, फिर श्लोक, फिर अष्टपदियाँ, फिर कोई तुक नहीं है। वह बड़ी ही प्रसिद्ध तुक है सुखमनी सुख अमृत प्रभनाम भगत जना कै मन विश्राम। इस तो बाद फिर दूजा श्लोक चालू रहता है, फिर अष्टपदी, फिर श्लोक, फिर अष्टपदी, इवें करके जी प्रबंध काव्य दे विच इह चलता हैगा। रचना है रामसर साहब के कंडे ते, विशा गुरमत जीवन जाच ते राग इहदी की है गौड़ी, गौड़ी राग दे विच लिखिया होया है। हुण उस तो बाद आपां गल करांगे 12वां मास दी भी, इन्हां दी जिहड़ी अगली बाणी बारे आपां चर्चा कर रहे हैं 12वां। 12वां है जिहड़ा वह माझ राग दे अंदर लिखिया गया भी, राग इहदी है माझ। 12वां दी राग है जिहड़ी वह माझ हैगी है और इस दे विच जिहड़े पदे ने वह 14 पदे ने भी। पहला पदा है उस दे विच प्रस्तावना है जिन्हों आप भूमिका कहते हैं, अध्यात्मक रचना है अध्यात्मकता के बारे। फिर उस तो बाद 12 पदियां ने, उस 12 महीनों का वर्णन है चेत तो शुरू होकर फगण तक, इस तरीके 12 महीने महीनों के अंदर उस महीने के जिहड़ी रुत है उस हिसाब के नाल चेत महीने के अंदर चेत के हिसाब नाल इस तरीके नाल करते करते अखीरला महीना है फगण। 12 माह जिहड़ा है पहला लिखिया जाता सीगा एक जिहड़ी इस्त्री सीगी उस दी जिहड़ी वह वियोग दे विच विछोड़े दे विच अपने घरवाले दे विछोड़े दे विच जिहड़े वह उहदी मनोदशा जिहड़ी वह हंडांदी सी उहदा वर्णन है जो वह 12 महीनियां दे विच कीता जाता सीगा। ये पुराना काव्य रूप सीगा जिहदे विच वर्णन होया करदा सी एक वियोगण इस्त्री का जिहड़ा वह संताप हंडांदी है उस बारे और उनके सारे जिहड़े हैगे है बस बाद जो वसल हुंदा सीगा मिलन हुंदा सीगा उहदियां भी गल्लां हुंदियां सी। परंतु इत्थे जिहड़ा 12 माह हैगा है माझ उस दे विच की कहिंदे है कि उस इस्त्री दी थां जीव रूपी इस्त्री, जीव आत्मा रूपी इस्त्री दी गल कीती है और इस दी जिहड़ी बाणी है वह उपदेशात्मक है। जीव आत्मा रूपी इस्त्री है जिहड़ी वह हर महीने दे विच वह अपने पति परमात्मा रूपी पति है जिहड़ा उहनूं पाणा चाहुंदी है। तो इत्थे जिहड़ा कंटेंट है वह इस्त्री ना होके जीव आत्मा रूपी इस्त्री है वह अपने पति परमात्मा रूपी पति पति का जिहड़ा है वह उस बारे गुणगान कर रही है। इत्थे आत्मा ते परमात्मा दे मिलन दी गल कीती गई है, हर महीने नूं उस महीने का जिहड़ा वातावरण है उस दे हिसाब दे नाल
जीव आत्मा है जो उस परमात्मा दी गल करती है। और अखीर दे विच जिहड़ा देखा जाए इस तरीके पड़ा दर पड़ा महीने दर महीने दे विच उस जीव आत्मा की जिहड़ा मनोदशा है उनका वर्णन किया है, उसने किवें परमात्मा नूं पाउणा है, परमात्मा नूं चेते रखना है, इस बारे है जो दसिया गया है। तो इस दे विच की है कि जिहड़ा अखीरला पदा है उस दे विच निचोड़ है भैया, निचोड़ दे विच आ दसिया गया भला कोई भी महीना होवे, भला कोई भी दिन होवे, सारे महीने सारे दिन चंगे ने। तो आपां हर महीने हर दिन ही की है कि उस परमात्मा दे नाल जुड़े रहना हैगा है, ये इस दे बारे दसिया गया है। राग है माझ 14 की कहिंदे है पदे है और उपदेशात्मक रचना है, उपदेशात्मक रचना है भैया। इन दे विच उपदेश दिता गया है जीव रूपी आत्मा स्त्री गुरमुख जिहड़ा बंदा है उन्हें उपदेश दिता गया है, उपदेशात्मक लहजे दे विच समझाया गया है कि वह किस तरीके नाल उस परमात्मा नूं पा सकता है, यह जिहड़ी गल है वह इस विच कीती गई है। तो जिहड़ा 12वां माह है उसी का हर महीने संक्रांत वाले दिन पाठ हुंदा है, जो आप महीना हुंदा है संक्रांत हुंदा है आप गुरुद्वारे जाने हैं तो जिहड़ा ग्रंथी साहब है वह जिहड़ा 12वां माह है उनकी बाणी पढ़ता हैगा है। तो इत्थे आपां नाणे थोड़े जी छो लईए गल नूं, गुरु नानक देव जी ने भी की कहिंदे है कि 12वां लिखे आ भी उत्थे आपां गल कीती सी, और वह जिहड़ा 12वां ये तो बाज राग च है और गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा 12वां लिखे है वह तुखारी राग च है। इत्थे पदे 14 है गुरु नानक देव जी की बाणी दे विच 17 पदे है और यह जिहड़ा की कहिंदे उपदेशात्मक है, तो गुरु नानक साहब ने जिहड़ा लिखे वह प्रेमात्मक लिखे है भी, और दोनों दे विच जिहड़ा कंटेंट है वह महीनिया तो संबंधित होया, जीव रूपी आत्मा ने परमात्मा के बारे गल की गई है महीने के संदर्भ च, उस महीने की जिहड़ा भी महीना चल रहा है उस तो आ भी चेत तो लैके फगण तक है, आ भी की कहिंदे चेत तो लैके फगण तक हैगा है, ये जिहड़ा हैगा है अज आपां गल की है सुखमनी साहब की और 12वां मास की।